क्या वजह लगती है कि आपको कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कहीं का पैसा भ्रष्टाचारी है सर, वजह ये है ये सोचते हैं बहुजन समाज आज भी दब जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में बहुजन समाज अपना हक मारने का नहीं, छीन के लेगा इनके गले से। और जो हमारी सीटों पे बैठ के नौकरी खा रहे हैं ना हमारे लोगों की, हम इनको बता देंगे अब ये खा नहीं सकते हमारा हक। की महिला है जिन्होंने, हाँ, और वो रामगढ़िया सिख है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्होंने फर्जी जाति में वो बनवाया हुआ है एससी का, और वो नौकरी कर रही हैं। उनका एक भाई भी है इंद्रजीत सिंह धंजल, धंजल उनका गोत्र है। बंद करो, अभी तक आपने किन किन डिपार्टमेंट में भी, मैंने हर डिपार्टमेंट को मैंने कंप्लेंट दी हुई है, यहाँ पे भी मैंने कम से कम मैं 5-10 कंप्लेंट दे चुका हूँ, एसडीएम से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, एसडीएम बिल्कुल कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ के तहसीलदार है वो तो अपना गेट बंद कर लेता है, कुंडी लगा लेते हैं, अंदर से मिलना ही नहीं चाहते हैं। आपने सिर्फ एक नहीं मैडम के लिए मांग की है, या सभी लोग जो इस तरह से सभी लोग लिए सभी के लिए जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो पैसे दे के अपने निकल जाते हैं। अच्छा, अभी आपकी मांगों को अगर ये नहीं सुनते तो आपका अगला कदम? हाँ, अगला कदम हमारा ये, हम यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे धरना देंगे, और हम केजरीवाल के वहाँ भी धरना देंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम धरना देंगे। आज तो हम केवल ज्ञापन दे रहे हैं, आगे हमारी अनलिमिटेड हम यहाँ पे धरना देंगे। अगर हमारे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, आगे एसडीएम नहीं सुनेगा, तो हम डीएम एसडीएम सबके खिलाफ धरना देंगे। चलिए ठीक है, एसडीएम पटेल नगर, आप इस पे देख सकते हैं कौन सी तारीख है, 10/8/2021 से, जबकि इसमें खाना टिकट लेना था जिसका यहाँ के एस डी एम को, हमारी 3 बार हमारी मीटिंग हुई, जब एस डी एम से बोलते हैं कि इसको कहो करें हमारे तहसीलदार देखेंगे, और जब वो है वो अपना गेट बंद कर दे, कुंडी बंद कर लेती है। आज 8 महीने से प्रशासन यहाँ का आंखें बंद करके फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं। एक लेडीज है सरकारी नौकरी करती है, स्कूल के में प्रिंसिपल है, और उसको इनके और जो सर्टिफिकेट है यहाँ से इशू हुआ है, और ये लोग कोई काम नहीं करने के लिए तैयार है। डीएम से भी हमने कंप्लेंट की, डीएम भी कोई भी इनका एक लीगल एडवाइजर है यहाँ पे वो है ना, वो भी पैसे लेके बैठे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 8 महीने से ऐसे डेट आप देख सकते हैं, इस पर डेट पड़ी है 10/8/2021, हाँ इस पर भी है 10/8/2021 से, थाना विकासपुरी में किसी पत्रकार ने उसकी कंप्लेंट दी, तो उसकी भी यहाँ पर रिपोर्ट आई हुई है 14 फरवरी को, आप देख सकते हैं कि उस पर डेट पड़ी हुई है 14 फरवरी 2022। अभी तक यहाँ के एसडीएम को ये नहीं है कि हम इस पर कोई कार्रवाई करें, अभी तक नहीं है, जबकि इनका 2 दिन का काम है, उन्होंने कोई काम नहीं कर रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भ्रष्टाचार बंद करो।